खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में कल भारत की पहलवान सोनम मलिक, जिनकी उम्र महज 19 साल है, टोक्यो के मैदान में उतरेंगी और पदक की दावेदारी पेश करेंगी। कल 62 किलोग्राम कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 में सोनम मलिक का मुकाबला मंगोलिया की कुश्ती पहलवान बोलोर तायू से भारतीय समय अनुसार सुबह 9:12 पर टोक्यो के ग्राउंड में होगा। दोस्तों आपको बता दें, सोनम मलिक रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को हरा चुकी हैं, तो वहीं मंगोलिया की पहलवान एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता हैं। अगर सोनम मलिक मंगोलिया की पहलवान को हरा देती हैं तो दूसरे दौर में उनके सामने बुल्गारिया की 2018 की विश्व चैंपियन तायबे मुस्तफ़ा की चुनौती होगी। लेकिन सोनम मलिक को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। भले ही उनके पास बड़े टूर्नामेंट में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वह बड़े से बड़े खिलाड़ी को हराने का दमखम रखती हैं। इससे पहले कुश्ती में भारत के किसी भी पहलवान का टोक्यो में मुकाबला नहीं हुआ है। भारतीय कुश्ती पहलवानों का यह पहला मुकाबला है। तो दोस्तों, भारतीय कुश्ती पहलवान सोनम मलिक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उनके कल के मैच के लिए कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक जरूर लिख देना।